वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के फोर्थ चैप्टर हीट के फोर्थ टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट को पढ़ेंगे। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन कीप्ड ऑन फ्लेम। फ्राइंग पैन जो होता है वो गर्म हो जाता है जब उसे आग पे रखते हैं। इट इज बिकॉज हीट पासिस फ्रॉम फ्लेम टू अंटेंसिल व्हेन पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर स्लोली कूल्स डाउन। जब उसे रखेंगे तो उसमें हीट का ट्रांसफर होता है, फ्लेम फ्राई पैन में हीट का ट्रांसफर होता है, जिसके कारण एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गर्म हो जाता है। जब उसे फायर से फिर से उतारेंगे तो फिर से कूल हो जाता है। तो इसमें कैसा प्रोसेस होता है, जब उसे फ्लेम के कंटेक्ट में रहते हैं तो फ्लेम से हीट ट्रांसफर होकर के फ्राई पैन में चला जाता है, और जब उसे नीचे उतारते हैं तो फिर से फ्राई पैन से हीट ट्रांसफर होकर के एयर में चला जाता है। इस कारण से जब उतार फ्राई पैन को आग से उतारते हैं तो फिर से ठंडा हो जाता है, जब आग पे रहता है तो गर्म रहता है। एक्टिविटी 4.4 को देखते हैं। उसके लिए क्या करना है, एक रड लेना है। एक रड लेंगे, फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, एक मेटल का रड लेंगे और उसे दो ब्रिक्स के बीच में होल्ड करेंगे, और उसमें फाइन वैक्स का टुकड़ा, मोम का टुकड़ा उसमें एक इक्वल डिस्टेंस पे डालेंगे, और उसके बाद उसके लास्ट में एक कैंडल को जलाएंगे। तो उसके बाद बताना है कि कौन सा पार्ट जल्दी हीट होकर के, कौन सा वैक्स जल्दी पिघल करके नीचे गिरेगा। तो हीट के प्रोसेस में जो इसके ज़्यादा नज़दीक होता है वही वैक्स का पार्ट जल्दी नीचे पिघल के गिरेगा। तो इसमें क्या होता है, जब कंडक्शन के प्रोसेस में जो इसके पास का मोम होगा वो जल्दी पिघल के गिरेगा। तो ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो ये कंडक्शन के प्रोसेस होता है। कंडक्शन, कंडक्शन कैसा प्रोसेस है, ट्रांसफर ऑफ द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर हॉटर एंड से लेकर के कोल्डर एंड में होता है, उसे कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन जनरली सॉलिड सरफेस पे होगा, सॉलिड में होता है कंडक्शन, और कन्वेक्शन होता है गैस और लिक्विड में। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजली, क्या सारे सब्सटेंस इजली हीट को कंडक्ट कर लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज प्लास्टिक वुडन हैंडल। कैन यू लिफ्ट हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम हैंडल विदाउट गेटिंग हॉट। तो जो गर्म गर्म फ्राई पैन होता है उससे एक मेटेलिक पैन के साथ एक प्लास्टिक या फिर वुडन हैंडल होता है, जिसके हेल्प से हम उसे उठा सकते हैं, और हमें गर्मी का कुछ भी तकलीफ नहीं होती, हमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। तो इसका मतलब हो गया कि सारे सब्सटेंस हीट का ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो सारे सब्सटेंस, सारे मेटल के अलावा जो सारे सब्सटेंस होते हैं हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसके आधार पर हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में बांटेंगे। तो कंडक्टर्स वैसे मटेरियल होते हैं जैसे कि आयरन हो गया या फिर कोई पीस ऑफ मेटल हो गया, जो हीट के ट्रांसफर को अलाउ करेगा उसे कंडक्टर्स कहेंगे। मटेरियल्स विच अलाउ हीट पास थ्रू देम इजली कॉल्ड कंडक्टर्स, जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली पुअर कंडक्टर्स ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर। जो अपने बेहतर तरीके अच्छे से, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू देम इजली, जो इजली वे में जिस मैटर से हीट पास नहीं कर पाएगा उसे पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर कहेंगे। अब कन्वेक्शन कैसा प्रोसेस है, हम एक बर्तन लेंगे जिसमें पानी भरेंगे, उसके बाद उसे फ्लेम पे चढ़ाएंगे, तो थोड़ी देर बाद वो गर्म होने लगता है और उबलने लगता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हॉट वाटर जो होते हैं, जो वाटर फायर के पर फ्लेम के पर प्रेजेंस में फ्लेम से हॉट हो जाते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और जो कोल्डर वाटर होता है
जो उसके उसका प्लेस ले उसका प्लेस ऑक्यूपाई करता है, फिर से वो हीट होकर के फिर से ऊपर जाता है, क्योंकि उसका हॉटर वाटर का डेंसिटी कम होता है, हल्का होता है तो ऊपर चला जाता है। तो इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक पूरा हुआ वाटर गर्म नहीं हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहेंगे। तो एयर और वाटर में जिस प्रोसेस के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है उसे कन्वेक्शन कहेंगे। एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेज। जो हीट सोर्स के नियर जो है एयर होते हैं वो गर्म होके ऊपर ऊपर चले जाते हैं। एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स गेट्स हीटेड। साइड्स टेक प्लेस इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। जो बाकी एयर होते हैं वो साइड से आएंगे और उसके बाद वो भी गर्म होके वो भी एयर गर्म हो जाएंगे। पीपुल लिविंग इन कोस्टल एरियाज। पीपुल जो समुद्र के किनारे रहेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग फिर फिनोमिना को ऑब्जर्व करेंगे, जिसे सी ब्रिज या फिर लैंड ब्रिज कहेंगे। सी ब्रिज क्या होता है? ड्यूरिंग डे लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर। दिन के समय में लैंड जल्दी गर्म हो जाता है वाटर के कंपेरिजन में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। दो जल लैंड के ऊपर जो एयर होंगे वो गर्म हो जाएंगे और वो ऊपर भागने लगेंगे। द कोल्डर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन द टुवार्ड्स लैंड टू टेक प्लेस। द कोल्डर एयर जो होंगे सी से आकर के लैंड के हॉट जो प्लेस खाली होगा उसको ऑक्यूपाई करेंगे। द बार में एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवार्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और इसी में उसके बाद जो गर्म एयर होंगे वो फिर से सी के तरफ मूव करेंगे इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जिससे हम सी ब्रिज कहेंगे। उसके बाद सी ब्रिज टू रिसीव कोल्डर सी ब्रिज। द विंडो ऑफ हाउस कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी एट नाइट। रात के समय क्या होता है? द एग्जैक्टली द रिवर्स। इसका उल्टा प्रोसेस होता है। वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड। वाटर लैंड के कंपेरिजन में जल्द धीरे धीरे ठंडा होता है। सो द कूल्स एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी। सो ठंडा एयर जो लैंड का होता है तो सी के तरफ मूव करता है, जिस प्रोसेस को लैंड ब्रिज कहते हैं। तो लैंड ब्रिज में हो रहा था कि लैंड का एयर जल्दी गर्म होकर ऊपर चला गया, उसके बाद सी का ठंडा ठंडा एयर उसके प्लेस पे आ गया। उसके बाद फिर से लैंड लैंड का ऊपर का जो गर्म एयर था वो फिर से सी की तरफ चला गया ताकि उस साइकिल कंप्लीट कर सके। और उसके बाद सी ब्रिज में ऐसा हो रहा था, और लैंड ब्रिज में हो रहा था कि लैंड का एयर जल्दी ठंडा हो गया लैंड का एयर जल्दी ठंडा हो गया तो और उसका एयर गर्म है अभी। सी का वाटर का एयर गर्म है तो ऊपर चला जाएगा और उसके बाद लैंड का जो ठंडा एयर है उसके सी की तरफ मूव करेगा, जिसे लैंड ब्रिज कहेंगे। कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी, जिसे लैंड ब्रिज कहेंगे। वेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सन सन में बाहर निकलते हैं वी फील वार्म, हमें गर्मी महसूस होती है। हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस, सन से हीट कैसे हमारे पास आती है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। देर इज ए नो मीडियम सच एयर और इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये कन्वेक्शन से या फिर कन्वेक्शन से नहीं आ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे हैं सन से और अर्थ के बीच में जहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, ना एयर है, एयर भी नहीं है, वो एकदम वैक्यूम है। द सेम सन हीट कम्स टू अस एन अदर प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन। सन का हीट दूसरे प्रोसेस के द्वारा आता है जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेड हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन के द्वारा जो हीट का ट्रांसफर होता है उसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये प्रोसेस होता रहेगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडियम प्रेजेंट है कि नहीं। व्हेन सिट इन द फ्रंट ऑफ रूम हीटर वी गेट हीट फ्रॉम दिस प्रोसेस। हॉट एंड टेसाइल कीप्ड अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन अस इट ट्रांसफर हीट टू सराउंडिंग बाई रेडिएशन।
जब हम हीटर में बैठते हैं तो हमारे बॉडी हीट होती रहती है, और उसके बाद कुछ देर बाद अगर जो हमारे बॉडी जब हीटर बंद होता है तो अगर हमारा पूरा रूम पूरे शीशे से या फिर किसी ऑब्जेक्ट से लॉक्ड हो तब पर भी हीट का ट्रांसफर बाहर की तरफ हो सकता है, ऐसे ही रेडिएशन में होता है। आवर बॉडी टू गिव हीट टू सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम द रेडिएशन, हमारा बॉडी भी इस प्रोसेस में सराउंडिंग से रेडिएशन के थ्रू हीट लेता है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, सारा गर्म बॉडी अपने हीट को बाहर निकालता है। व्हेन हीट फॉल्स ऑन सेम ऑब्जेक्ट सम ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड ए पार्ट ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड पार्ट ऑफ में ट्रांसफर्ड, हीट को या गर्म ऑब्जेक्ट ट्रांसफर कर देता है या फिर रेडिएट करके बाहर निकाल देता है। काइंड्स ऑफ, तो अभी हमने ट्रांसफर ऑफ हीट में पढ़ा कंडक्शन को। कंडक्शन क्या क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हॉट एंड से लेकर कोल्ड एंड तक हीट का ट्रांसफर होता है सॉलिड सॉलिड ऑब्जेक्ट में, तो उसे कंडक्शन कहते हैं। कंडक्टर्स किसे कहते हैं? मेटल्स दैट अलाउ हीट टू पास, वो ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अलाउ करेंगे पास करने के लिए उसे कंडक्टर कहेंगे। इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर वैसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे जो अपने से इजीली अपने से हीट को पास नहीं करेंगे। कन्वेक्शन कैसा प्रोसेस है? एयर नियर द सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेज, एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक्स प्लेस। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो एयर या फिर वाटर होता है वो उसके पास रहता है, वो गर्म होकर ऊपर चला जाता है, उसके बाद जो ठंडा एयर या फिर वाटर होता है वो उसके प्लेस पे आ जाता है, तो उस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन की प्रोसेस से हीट का ट्रांसफर होता है एयर और वाटर में। सी ब्रिज क्या है? सी ब्रिज ड्यूरिंग डे लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, दिन के टाइम में लैंड जल्दी गर्म हो जाता है वाटर के कंपेरिजन में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, जो एयर लैंड के ऊपर रहेंगे वो गर्म होकर के ऊपर भागेंगे। देन कोल्डर एयर फ्रॉम द सी कम्स टुवर्ड्स द लैंड, जो ठंडे एयर सी में होंगे वो लैंड की तरफ आएंगे। द वार्म एयर मूव्स टुवर्ड्स सी टू कम्प्लीट द साइकिल, उसके बाद जो लैंड के गर्म एयर एयर होंगे वो सी की तरफ भागेंगे, सी की तरफ मूव करेंगे इस साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए। लैंड ब्रिज में क्या होता है? एग्जैक्टली ये प्रोसेस का रिवर्स होता है। कूल एयर फ्रॉम द लैंड लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, इसमें क्या होता है? लैंड का जो ठंड, क्योंकि अर्थ जल्दी ठंडा हो जाता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इसका जो ठंडा एयर होता है वो मूव करता है सी के तरफ, और सी ब्रिज में हो रहा था कि सी का ठंडा एयर लैंड की तरफ आ रहा था। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन किस प्रोसेस को बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट मीडियम, बिना मीडियम के अगर हीट ट्रांसफर करता है तो उस प्रोसेस को रेडिएशन बोलते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ हीट को पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर को पढ़ेंगे। हम कौन से तरह का क्लोथ समर में पहनते हैं या फिर कौन से तरह का क्लोथ विंटर में पहनते हैं उसे पढ़ेंगे। तुम्हारे अगली वीडियो को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहना, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।